पिछले वर्ष की आपदा को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को मानसून से पहले आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक ली। सीएमओ में हुई बैठक में आपदा प्रबंधन मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल, सीएस डीबी गुप्ता सहित विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आपदा प्रभावित 11 जिलों में विभाग को विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए। बैठक में मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने कहा कि मानसून से पहले विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है, साथ ही आपदा प्रभावित उन सभी 11 जिलों में भी विभाग की ओर से विशेष व्यवस्था की गई है तथा सभी जिलों में 10-10 लाख रुपए के विशेष पैकेज दिए गए हैं। मेघवाल ने कहा कि मौसम विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार इस बार मानसून सामान्य रहेगा। देखिए, आपदा प्रबंधन विभाग हमारे जितने भी जिले हैं उन जिलों में जहां फेमिन पड़ता है, अकाल पड़ता है, वो राजस्थान में अभी पिछले साल 11 जिलों में अकाल पड़ा। उन 11 जिलों के अंदर पानी पीने के पानी की व्यवस्था, गायों के चारे की व्यवस्था, उनके कैटल फीड की व्यवस्था, उसके अलावा वहाँ पे जगह जगह हमारे पशु शिविर खोलने की व्यवस्था, तो ये सारे काम हमने आज प्रेजेंटेशन दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ डायरेक्शन दिए कि उसको थोड़ा और बढ़ाइए, पानी की जहाँ समस्या हो हम टैंकर्स और बढ़ा सकते हैं, कंटीजेंसी के अंदर पैसा कलेक्टरों देख रहे हैं उनको और को काम किया जाता है। तो मैं समझता हूँ ये अकाल आपदा प्रबंधन विभाग है, उसका ये जो काम है वो आपदा प्रबंधन विभाग का काम उन जिलों में काम होता है जिन जिलों के अंदर अकाल पड़ा है, जैसे बीकानेर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, जोधपुर है, इसके अलावा आपके दूसरे ज़िले हैं, कई जिलों के अंदर लगातार अकाल पड़ रहे हैं, कई जिलों में बहुत कम अकाल पड़ रहे हैं। तो अब की बार 11 जिलों में अकाल जो पड़ा उसके अंदर सारी व्यवस्थाएं चारे की, पानी की, उसके अलावा वहाँ अकाल राहत के अंदर काम चलाने की, दूसरे वहाँ पे हमारे पशु शिविर होते हैं उन पशु शिविरों को खोलने की, जो हमारी गौशालाएँ हैं उनके अंदर एक्स्ट्रा जो गायें आती हैं एक्स्ट्रा गायें, उन गायों को हमारे विभाग के द्वारा अनुदान देने की, ये